और पुनीत महाराज के नाम से और सब्सक्राइब करें। इन्हें जल्द लाइनों पे प्रसन्न होकर भैया हमारे भोड़ा भाई लंबादार ये 50 रुपये मुद्रा आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। आप सबसे ऐसे ही कामना कर रहे थे आशीर्वाद की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारो भजन सुना आपने। एक सीख ले गए थे आप, तो देखो आप हमारी ओर से भी एक प्रयास है। देखो आप धुन आई थी कि तेरा हर अंदाज सितमगर मेरा देखा वाला सितमगर मेरा देखा भाला है, मेरा देखा भाला है। तेरा हर अंदाज सितमगर ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, लेकिन सोचा लिखा गया आदमी को जन्म हो तो भगवान को भजन करने के लिए। बड़े भैया पुनीत महाराज ने मनोरंजन भी करा था, वो भजन भी सुना दो। भजन में ऐसी चीजें ही हो। नर तनु पाया हरि भजन किया ना, आदमी गर्भ के अंदर हो तो भगवान ने कहा बहुत भावई होती गर्भ के अंदर। अब जा भावई तो हमारी माताएं बहने जान सकती है। 9 महीना लो जो को पेट में रखत बच्चा खा ऊपर कितनी बेपत्ति आऊ कितनो दर्द हो तो, लेकिन लड़का लड़का नहीं माना। अगर कर्ज चुकाती है तो केवल बिटिया, लड़का का बहुत चुका ही नहीं सकत। कोनो वैसो बोलो लड़का निकल जाए विवेकानंद जी सो, कई भी ऐसे हो गए शर्मन जी सो, लेकिन आजकल कांद है लड़का लड़का तो और जो गहन में फैल। नर तन पाया हरि भजन किया ना, बेईमान कहला नर्तन पाया हरि भजन किया ना, बेईमान कहलाओगे। जब करीब के अंदर होता है बच्चा इतना दर्द होता है, कहता है भगवान हमें निकाल दो, हम जैसे ही निकले भगवान को भजन करें, भगवान के चलो निकाल दो, भगवान बड़े दयालु हो। लेकिन इतने आगे आदमी कुछ नहीं करे। नर्तन पाया हरि भजन किया ना, बेईमान कहलाओगे, बेईमान कहलाओगे, लेकर क्या ये थे जग में। अगर मजा आए कहे तो आप लोग तालियां बजाए गए, जबकि अभी वाली बात ही नहीं है। आरो मजा बजाओ तालियां, नहीं आ रहा क्या लेकर ये थे जग में, क्या लेकर थे ये थे जग कहता है
धोगन होगी लख चौरासी। आदमी को जन्म ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बड़ी मुश्किल में तो आदमी बना। ई के बाद जो भी जन्म हो कम 84 लाख योनि भोगने पड़े जब ऐसे जन्म मिले तो आदमी। और जीव ने आदमी की कदर नहीं करती है। भोगन होगी लख 84 नर्तन तब ये पाया है, नर्तन तब ये पाया है। कभी इतनी प्यारी लाइनें लिख दे लेकिन आदमी का समझ में की जरूरत है। बस कीमत समझो इस नर तन की। आदमी का तन नर तन, नर माने आदमी, तन माने ये शरीर। कीमत समझो इस नर तन की, मिल गई ही राती काया है, मिल गई ही राती काया है। कर कर खोट, खोट माने होत गलत का माने भैया जी। अगर हम ऐसे एक दूसरे की बुराई करें तो हो ही नहीं सकता, हमारा वो दार का हमारे बगल वाहन को नहीं हो सके। कर कर खोट नशा ना लेना। दो बातें आ गई, नशा ना लेना, एक तो नशा ना लेना हो के कोनो धूम्रपान हम ना करें, और नशा ना लेना मतलब ऐसो हम काम ना कर ले जिसे हमारा काम बिगड़ जाए काया, इसे केवल भगवान को नाव ले ले। ये सम्मान्य हमारे चाचा जी गुरु हैं, 101 रुपया इनकी तरफ से आए हैं। सम्मान्य राम कुमार जी पाठक बड़ौरा की तरफ से कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा हो गुरु जी, अब तो मजा आए गाय के आपको चेला का हो। हेलो, और ध्यान दे हमारे गायक मदन पाल जी। बिल्कुल, समय का अभाव है अपने पास, अभी दो पार्टियां मंच पर उपस्थित हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम हम सभी को दे दो आप। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज की आपकी एक कृपा होगी। केवल 20 मिनट ले रहे हैं आपके, ठीक है, अभी से 21 ना गाए, अगर 21 हो जाए तो क्या भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अबे हमें सम्मान्य चतुर्वेदी जी, सम्मान्य श्री सीताराम जी चतुर्वेदी जी, हमारे गुरु के पिताजी हैं, आप इन्हें बुलाओ। बोले मदन तुमने खूब मजाक के सुना रहे, सब कुछ सुना दो लेकिन कैसे सुना दो कि मजा आ जाए। उनके लाने हमने जो गीत गाओ। कर कर खोट नशा न लेना वरना तुम पछताओगे, तुम पछताओगे। अगली लाइन का कहना है, जेल की पीड़ा से पीड़ित भय। आदमी जब गर्भ के अंदर हो तो इतनी परेशानी हो कैसे, देखो अब कभी ने वर्णन किया। जेल की पीड़ा से पीड़ित भय,
तब क्या वचन उछाला था, जब परेशान भय सो गई भगवान, हे भगवान इतनी विनती कर का आदमी बहुत बदमाश हो, आदमी भली मर जाते लेकिन आत्मा नहीं मरे, दादा तुम अजर अमर है, वो काम हो कह बस हुए साध सकत केवल भगवान को भजन। मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, भजन होते ही नहीं, भजन कबे हो जब भगवान का हृदय में बसा लो। जेल की पीड़ा से पीड़ित भय तब क्या वचन उछाला था, कहा था बाहर आए वचन होलाए। अब जैसे ही निकल आए जन्म होगो से बोले अब तो राहत है, कहे अब बम बताई सेवा करें, अबे विदेते बेचारे, जब विदो होता आदमी गंगा से ऐसी ऐसी कहे तो केस बिद जाए, बकी साहब से ऐसे कहे भैया निपटा दो भैया, तो निपट जाए फिर बकी साहब मिल जाए तो राम राम न करें। बाहर आए वचन भुलाए ये विश्वास तुम्हारा, हरि बिसरा बिसरा। अब भूल गए भगवान का, ये रिकॉर्डिंग आप लोग बड़े भैया छोटे भैया नरेंद्र जी कुशवाहा की तरफ से सुन रहे हैं जय माता दी स्टूडियो की, जय माता दी स्टूडियो की तरफ से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जय माता दी स्टूडियो भेजना। हरि बिसरा बिसरा सब जानो, हरि बिसरा बिसरा सब जानो, हरी बिसरा अगर भगवान बिसर गए तो समझ लो कि सब बिसर गो, फिर तो महल लेना लगो। अगर बचा सकत दुख से तो केवल भगवान बचा सकत, और को नहीं बचा सकत के गुरु बचा सकत, अब गुरु भी बचाए तो गिनती तो भगवान ही से करनी है, इसलिए हरी बिसरा बिसरा सब जानो, दुख ना बिसरा पाओ रे, हरी बिसरा बिसरा सब जानो, दुख ना बिसरा पाओ रे। बिल्कुल अंतिम बंद है, हरि चरणन बस जा जागे स्वर। देखो सोच की बात है, ना तो बिरादरी की बात है, ना उम्र की बात, ना जात की किसी की बात नहीं है, ये भैया हमारे सिमरधा गांव से हैं जागेश्वर अहिरवार, उनकी सोच है, कितनी प्यारी चीज लिखी भैया ने हमें, वर्कशॉप करो गीत बोले भैया हम लिखत हैं, हमने कि आप लिखत हो तो कम से कम इतना कर दो कि हमें पता लग जाए, सो वर्कशॉप आपने करो, मैंने ये गीत पढ़ा कल की बात है, तो हमने कहा भैया जो गीत हम जरूर गाएं, का इस गीत में कछु है और कछु होवे सीख, लोगी तो दुनिया सुना तो इतने डरेगा यूट्यूब पे, लेकिन भजन बहुत कम, चीज भजन कितों गा दो, हमारी माता बहने बैठी हूँ चाहे जो बैठो चाहे जहाँ बजा दो, तो को नहीं कह सके कछु लोकगीत भी ऐसे हो तो मर्यादित हो के गाए जा सके, कोनो बात नहीं अर्थ हो तो नहीं, और कछु ऐसे ऐसे गायक हो गए संभालिए, अब काका ने नाव नहीं लेता है कहोगे ले से कोनो फायदा नहीं है। हरि चरण बस जा जागे स्वर, जन्म धन्य हो जाएगा, जन्म धन्य हो जाएगा। कितनी प्यारी बात लिखी, मुठी बांध के आए जग में, ऐसे आउट आदमी
हमें तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारी माता बहने बुजुर्ग सबसे खूब जाना था। बतावे भाई बात, मुठी बांध के आए जग में हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। काए नर तन पाया हरि भजन किया की वजह से, जो कर लो तो कोनो तो कदा ही नहीं है, जाके ता गए से। प्रहलाद जी जैसे आए उसे ही गए, हमारे संत कबीरदास जी आए जैसे ही गए। कई ऐसे प्रमाण है आप लोगों का बतावे की जरूरत नहीं है। नर तन पाया हरि भजन की ज्ञाना, बेईमान कहलाओगे। नर तन पाया हरि भजन की ज्ञाना, बेईमान कहलाओगे। नर्तन पाया हरि भजन किया ना, बेईमान कहलाओगे, बेईमान कहलाओगे। क्यों लेकर क्या आए थे जग में, लेकर क्या ये थे जग में। लाइन हम पहले गा गए लेकिन हमने ध्यान नहीं करो, जग में चाहे कितना जो लियो, पैसा संगे नहीं जात, न खेती संगे जात, न कोनो नौकरी संगे, कोई संगे नहीं जात, केवल अपन अकेले जात। तो ये भजन के लाने के वो है कि भगवान को दिल में चाहे जितना लियो, कम से कम हम कत कितना ना बने तो दो बेर जरूर ले लो भजन। लेकर क्या ये थे जग में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के आए जग में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के आए जग में, क्या लेकर के जाओगे। नर तन पाया हरि भजन किया ना, क्या लेकर आए जग में, क्या लेकर के, क्या लेकर के जाओगे। बोल राम राजा सरकार की। अब हम जो चाहूं और समस्त श्रोताओं से एक और सूचना देना चाहते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले YouTube पर जय माता दी स्टूडियो भजना सर्च करें, उसके नीचे एक नया चैनल आएगा नरेंद्र स्टूडियो के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी कर लें और जय माता दी स्टूडियो भी सब्सक्राइब कर लें। और आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।